स्टूडेंट्स uh, अब हम बात करेंगे रेंडामाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइनस की तो रेंडमाइज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो, तो उसमें जो सबसे बेसिक डिज़ाइन है या जिसको हम क्लासिकल डिज़ाइन कहते हैं तो वो डिज़ाइन में uh, क्या होता है कि उसमें दो आपके पास ग्रुप्स होते हैं और उसमें से एक ग्रुप जो होता है वो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है और uh, 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 दूसरा ग्रुप जो होता है वो आपका ट्रीटमेंट ग्रुप होता है इन दोनों में हम जो है रेंडमली असाइन करते हैं सब्जेक्ट्स को और जो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है उसमें इंटरवेंशन जो है वो परफॉर्म की जाती है उसके बाद जो ट्रीटमेंट ग्रुप जब इंटरवेंशन ले लेता है तो उसके बाद आफ्टर सम टाइम हम जो है उसको असेस करते हैं विद द कंट्रोल ग्रुप यानी हम जो है ट्रीटमेंट के बाद दोनों ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं जिसको हम पोस्ट टेस्ट असेसमेंट कहते हैं तो ये एक बेसिक डिजाइन uh, है रेंडामाइज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इसके बाद जो सेकेंड डिजाइन है उसको हम कहते हैं बेसिक रैंडमाइज डिजाइन कंपेयरिंग टू ट्रीटमेंट्स इट्स एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन विच द रिसर्चर रेंडमलीट्स डिटमेंट्स पोस्ट एट्स असमेंट ऑफ बोथ ग्रुप्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट यानी आपने दो ग्रुप्स बनाए रैंडम बेसिस पे दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दिया और दोनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी पोस्ट असेसमेंट की अब इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि फॉर इंस्टेंस आपने देखना है कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के लिए इंक्रीज करने के लिए कौन सी इंटरवेंशन बेहतर है आ, क्या उनको स्मार्ट क्लास में आ, जो है वो आ, टीच किया जाए या उनको जो है आपने जो एक ट्रेडिशनल क्लास है उसमें टीच करना है तो आप दोनों में जो है उनको टीच करते हैं एक स्मार्ट क्लास में जो कि एक टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड इन्वामेंट है और एक ऐसा क्लास जिसमें टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड एनवायरनमेंट नहीं है तो जब आप ये दो डिफरेंट तरीके से उनको टीच करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट क्या है उनकी लर्निंग के ऊपर तो ये हम उसको मैयर कर लेते हैं अपनी पोस्ट एस्टमेंट में इसके बाद जो है आपका जो थर्ड रेंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसको हम कहते हैं बेसिक रेंडमाइज्ड डिजाइन कंपेयरिंग टू ट्रीटमेंट्स एंड अ कंट्रोल दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन विच द रिसर्चर रेंडमली असाइन सब्जेक्ट्स इन टू थ्री ग्रुप्स एंड टू ग्रुप्स गेट्स द ट्रीटमेंट ग्रुप वन ग्रूप टू एंड वन ग्रूप रिमेन अ कंट्रोल ग्रुप जब वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद हम वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट एंड वी कैन कंपेयर द वन ट्रीटमेंट ग्रूप विद द कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकेंड ट्रीटमेंट ग्रूप टू दंट्रोल ग्रुप सो वी हैव अ थ्री काइंड ऑफ कंपेरिजन इन दिस डिजाइन